नमस्कार, एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, और जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम लोग पढ़ने वाले हैं छोरी में आपकी आरएस ही नहीं, राजस्थान की कैसी भी परीक्षा हो उससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। आप आसानी से आराम से पढ़ेंगे। हम शुभारंभ से पहले सिलेबस का डिस्कस करेंगे, पहले हम इतिहास को देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, किसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। देखिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं। हम इतिहास के विषय में आज देखने वाले हैं, इतिहास के बारे में क्या क्या होगा, इतिहास किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, इतिहास किसे कहते हैं, वह बीती हुई घटनाएं जिनके हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं इतिहास कहलाता है। साहित्यिक साक्ष्य इतिहास में नहीं आएंगे। किसी ने साहित्य लिख दिया तो वो इतिहास नहीं कहलाएगा, कल्पना मात्र से कोई कहानी लिख दी तो वो इतिहास में नहीं आएगा। ध्यान देंगे वह ऐतिहासिक साक्ष्य जिनके हमें साक्ष्य मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं, उन्हें हम इतिहास कहते हैं। देखिएगा, पहली इतिहास के विषय में देखिएगा आप, इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, इतिहास शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? इति यानी ऐसा ही, है यानी निश्चित रूप से। जैसा कि आप सभी को पता है शब्द संबोधित करता है निश्चित रूप को। इति यानी ऐसा ही, है यानी निश्चित रूप से, आस यानी था, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, उसे इतिहास कहते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा निश्चित रूप से हुआ था, इसके लिए हमें चाहिएंगे ऐतिहासिक स्रोत। तो आप इसकी परिभाषा कहते हैं वह ऐतिहासिक स्रोत, वह इतिहास उसे कहते हैं जिसके हमें ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। मतलब बीती हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं, लेकिन बीती हुई घटनाओं के हमें ऐतिहासिक स्रोत मिल जाएंगे उसे हम क्या कह देंगे, इतिहास कह देंगे। इतिहास का अर्थ बताते हैं, ऐसा ही निश्चित रूप से, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो घटनाएं अतीत के काल में निश्चित रूप से घटी है वही इतिहास है। मतलब अतीत के काल में जो निश्चित रूप से, यानी काल्पनिक नहीं हो, अतीत के काल में जो घटनाएं निश्चित रूप से घटी है वही क्या है, तो आप कह देंगे इतिहास है। देखिएगा, दूसरे शब्दों में हम इतिहास को कह इस प्रकार समझ सकते हैं कि लोग, राष्ट्र, समाज की महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का समयावधि में लिखा हुआ विवरण, तथ्यों व घटनाओं का काल का क्रमानुसार विवेचन। इतिहास है क्रमानुसार विवेचन। इसीलिए आप सभी को जानकारी है, इतिहास को सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किसने लिखा, उन्हीं को इतिहास का पिता कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, हेरोडोटस ने इतिहास को सबसे पहले क्रमबद्ध रूप से, जो इतिहास अव्यवस्थित था उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया। किसने? तो आप कह देंगे हेरोडोटस ने। इसी कारण इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। देखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। इतिहास का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने इतिहास को व्यवस्थित रूप से, विधिवत रूप से, क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले लिखा, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास का। मतलब जो संकलन इधर उधर हुआ था, जिसके हमें व्यवस्थित तरीके से साक्ष्य नहीं उपलब्ध थे, उसे आपने व्यवस्थित तरीके से लिखा, इसी कारण आपको क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। देखिएगा, बात करते हैं इनके विषय में और क्या क्या बातें हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। देखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो 484 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के हेलिकार्नेसस में हुआ था, रोमन दार्शनिक सिसरो। ध्यान रखिएगा, इतिहास का पिता हमने नहीं कहा है इन्हें, हेरोडोटस को इतिहास का पिता हमने नहीं कहा, एक रोमन दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है सिसरो। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक अथवा इतिहास का पिता कहा। याद रखिएगा, रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, विधिवत तरीके से लिखा, इस कारण इन्हें इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। कहा किसने? तो आप कह देंगे रोमन दार्शनिक है जिनका नाम है सिसरो, उन्होंने इसे व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखा, व्यवस्थित तरीके से संकलन किया, इस कारण इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आप कह देंगे हिस्टोरिका।
इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक में सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित तरीके से संकलित किया, इसी कारण इतिहास का पिता कहा जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मेगस्थनीस को। मौर्य काल में आपको याद हो तो मेगस्थनीस भारत में आए थे, पाटलिपुत्र का विवरण करते वर्णन करते हैं, मेगस्थनीस ने सबसे पहले भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन किया, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। जैसे आप राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, विधिवत रूप से किसने संकलित किया? तो आप कह देंगे कर्नल जेम्स टॉड ने। इस कारण कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। तो आपने देखा इतिहास का पिता मेगस्थनीस को कहा जाता है, और मेगस्थनीस यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आए थे, 302 से 288 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का काल है। मेगस्थनीस ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में लिखा। मेगस्थनीस जो है उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में लिखा। भारत के इतिहास को सबसे पहले विधिवत रूप से, व्यवस्थित रूप से किसी ने लिखा है? तो वो मेगस्थनीस है। इन्हीं कारण इन्हीं का क्या कहा जाता है? तो आप कह देंगे भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। पहले आपने देखा इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो आपने बताया इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। और किसने कहा है? तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा है। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आपने बताया मेगस्थनीस को। और यही बात आपसे पूछे कि राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड को। फिर आपने देखा इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया है, हेरोडोटस ये है, आप सभी लोग शायद जानते होंगे। अगली बात करते हैं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य आपकी सिलेबस का पार्ट है। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस किस प्रकार से पढ़ने हैं, हम उन तमाम बातों के बारे में बात करते हैं। आप चाहे जो परीक्षा करें, मैं ये कहता हूं प्रीलिम्स आपकी आसानी से, अगर आपने 3 महीने हमारा साथ दिया और 3 महीने व्यवस्थित तरीके से विधिवत, आपको नोट्स बाकायदा सबको उपलब्ध होने वाले हैं, आप आराम से इन्हें पढ़ते रहें। और दूसरी बात, बाहर जाने की, आप किसी भी दूसरी संस्थान जो बहुत से पैसे ले रहे हैं, लाखों में पैसे ले रहे हैं, उनके नोट्स और अपने नोट्स को कंपैरिजन करना, कुछ कमी मिले तो बताना। मैं ये नहीं कहता कि हमारे परिपूर्ण है, मैं ये नहीं कहता 100% पेपर आएगा, कुछ प्रश्न नए होते हैं, लेकिन इसे पढ़ने से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, चाहे 100% ना हो। क्योंकि आप सभी को पता है इससे बाहर जाएगा तो वो फिर सबका बाहर जाएगा, अकेले आपका नहीं जाएगा। तुलनात्मक रूप से किसी दूसरे संस्थान का मैटर आप तुलना करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मैटर ठीक है। ठीक है, मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, तमाम सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले आपको क्या देखना है राजस्थान के इतिहास में? इतिहास में सबसे पहले आपको देखना है कि राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक स्थल, पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण व कांस्य युग तक का ऐतिहासिक राजस्थान। मतलब एक तो आपको राजस्थान के स्थल देखने हैं, पहला काम तो यह है, मतलब राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, जो स्थल है वो देखने हैं। और दूसरा काम यह करना है कि उन स्थलों को देखने के सिवा उनकी विशेषताओं को तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपको सामान्य तौर पर यह पता होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता किस काल की है, पाषाण काल की है, मध्य पाषाण काल की है, उत्तर पाषाण काल की है। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? वह काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, वह काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते बल्कि हमें पत्थर के औजार मिलते हैं, उसे हम कहते हैं पाषाण काल। और प्राग ऐतिहासिक काल वही काल होता है, आप सभी लोग जानते हैं, प्राग यानी प्राचीन, ऐतिहासिक यानी इतिहास से पुराना। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से पहले का, और हम इतिहास किसे मानते हैं? जब से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। तो उससे पहले का काल मतलब आद्य ऐतिहासिक से पहले का जो भी काल है, मनुष्य की प्रारंभ से लेकर अब तक, मतलब 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2500 ईसा पूर्व तक का काल आप प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। मतलब
तमाम वो चीजें आपको राजस्थान के संदर्भ में क्या देखना होगा, पहली चीज तो आपको ये देखनी होगी। यहां आपको प्राग ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में नहीं पूछता है, पहला ही टॉपिक आपका भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आप वहीं से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन यहां आपको ये जरूर पता होना चाहिए, ज्यादा चीजें भी नहीं आती है तो ये पता होना चाहिए, चाहे आप इन्हें व्यवस्थित तरीके से कैसे भी याद रखें, कि कौन सी सभ्यता किस काल की है। समझ रहे हैं? जैसे कालीबंगा सभ्यता नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कालीबंगा सभ्यता, गुरु जी कौन से काल की है? आद्य ऐतिहासिक काल की है, ताम्रकाश्ययुगीन सभ्यता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आपके दिमाग में आएगा बागोर, तो आप कह देंगे मध्य पाषाण कालीन स्थल है बागोर, बागोर पाषाण काल से संबंधित है क्योंकि वहां पे फर्श मिलते हैं। तो वैसे ही मैं आपको कुछ स्थल बता देता हूं कौन कौन से किस किस काल के, तो आपको देखना क्या इतिहास सिलेबस में पहले आप देखिए क्या पढ़ेंगे। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कौन सी सभ्यता कौन से काल की है। दूसरी बात आप कह देंगे ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईसवी काल से के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र में आप सभी को बता दिया गया है। प्राचीन राजस्थान में समाज धर्म संस्कृति, मतलब प्राचीन राजस्थान में जो स्थल हैं उनसे आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार का समाज है, किस प्रकार का धर्म है, किस प्रकार की संस्कृति है। मतलब वहां पर आप पाएंगे कि भैया अगर वहां पर आपको व्यवस्थित बसावट मिली है, वहां पर अगर आपको व्यवस्थित बसावट मिलती है, वहां पर अगर आपको समुचित नालियों की व्यवस्था मिलती है, वहां पर अगर आपको शौचालय की व्यवस्था मिलती है, वहां पर अगर आपको पक्के मकान मिलते हैं, वहां पर अगर आपको सड़कें मिलती हैं, वहां पर अगर आपको व्यवस्थित तरीके से व्यापार की भी कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले हो कि व्यापार होता हो, वहां पर आपको ठोस की बजाय महंगी धातुएं मिलती हो, इसका मतलब आप क्या कह देंगे वह संस्कृति कैसी संस्कृति है, तो आप कह देंगे वह संस्कृति शहरी संस्कृति है। यहां आपको शहरी और ग्रामीण के बीच भी अंतर पता करना पड़ेगा, बहुत बाहरी कोई मिसाइल लॉन्चिंग के फॉर्मूले नहीं है इसमें भी, सामान्य सी बात आप अपने मस्तिष्क में आज ही के तौर पर बना ले। जैसे आज आप गांव में रहते हैं, कोई बच्चा शहर में रहता है, शहर और गांव के बीच आप कंपैरिजन कर लेंगे, शहर में क्या होता है एक व्यवस्थित बसावट होती है, गांव में क्या होता है अव्यवस्थित बसावट होती है, कोई किसी कोने में बसा हुआ है, कोई किसी कोने में बसा हुआ है, कोई टीले पे घर बना रखा है, किसी ने पहाड़ पे घर बना रखा है, किसी ने खड्डे पे घर बना रखा है। लेकिन शहरों में आपको व्यवस्थित तरीके से बसावट मिलेगी, पहला रीजन आप शहर और ग्रामीण के बीच कर लेंगे। दूसरा, जैसे आपको जानकारी होगी कि भैया जैसे जो आपके शहर है वहां पर आपको समुचित नालियों की व्यवस्था देखने को मिलेगी, नालियां चाहे पक्की हो कच्ची हो लेकिन नालियां देखने को मिलेंगी, गांव में नालियों का अभाव देखने को मिलता है। वहीं आप बात करें शहर की, तो शहर में आपको महंगी धातुएं मिलेंगी, ठोस नहीं मिलेंगी, सोना है, चांदी है, तांबा है, टिन है, कासा है, लेकिन ठोस धातु नहीं मिलेगी। ग्रामीण संस्कृति में ठोस धातु, क्योंकि ग्रामीण आदमी है तो खेती बाड़ी करेगा तो उसे ठोस धातु की आवश्यकता होगी। आप सभी को पता है इतिहास इस बात का गवाह है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब से संस्कृति आप पाएंगे, आर्य संस्कृति वैदिक संस्कृति ग्रामीण बन जाती है, ग्रामीण बनते ही उसको आवश्यकता होती है खेती के लिए लोहे की, और लोहे की खोज हो जाती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो वही चीजें आपको देखनी है। आप धर्म देखेंगे किस प्रकार का धर्म है, आप समाज देखेंगे मातृसत्तात्मक है कि पितृसत्तात्मक है, जैसे कालीबंगा में आप पाएंगे मातृसत्तात्मक समाज है, समझ रहे आपके वैदिक सभ्यता में आप पाएंगे पितृसत्तात्मक समाज है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। धर्म के विषय में आपको पता होना चाहिए किस चीज की पूजा करते हैं, क्या है क्या नहीं है। जैसे धर्म के विषय में कणाद कहते हैं या तो अभ्युदय निश्रय सिद्धिश धर्म है, जैसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की उन्नति हो वह क्या है, तो आप कह देंगे धर्म है। तो पहला टॉपिक तो आपका है ये। दूसरा टॉपिक क्या है, प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की। अब यहां इस मामले से आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि महत्वपूर्ण का क्या मतलब है, ये कहना क्या चाह रहा है। महत्वपूर्ण का मतलब है पढ़ने लगभग सभी हैं, लेकिन सभी की विषय में आपको सिर्फ उनकी महत्वपूर्ण बातें अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। जैसे आपको राजनीतिक सांस्कृतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, अब इनमें क्या क्या दे रखा है, जैसे गुहिल को ले लीजिए आप, गुहिल के विषय में पहले आपको बप्पा रावल के बारे में पता होना चाहिए। राजनीतिक में आप कह देंगे बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया। सांस्कृतिक में आप कह देंगे भैया संस्कृति में क्या आता है, क्या बनाया है, क्या और कुछ किया है, तो बप्पा रावल के विषय में आप कह देंगे बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनाया कैलाशपुरी में, ये भी सांस्कृतिक बातें आती है। आप सभी संस्कृति में जानते हैं संस्कृति का मतलब क्या होता है,
संस्कृति का मतलब होता है कि अपने मनोभावों को सुंदरतम ढंग से व्यक्त करने की कला संस्कृति है। तो इन्होंने अपने मनों के भावों को सुंदरतम ढंग से व्यक्त किया, आपके एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। तो इनके विषय की जो जो खास बातें हैं, फिर आप बप्पा रावल के बाद आप ज्यादा जानकारियां नहीं लेके आप सीधे अल्लट पे आ जाते हैं, अल्लट के बारे में चार बातें देख ली, फिर आप सीधे जेतर सिंह के बारे में आ जाते हैं। सामान्यतया आपको 3-4 दिन में कंप्लीट मेवाड़ कंप्लीट हो जाता है और सिंगल प्रश्न किसी भी परीक्षा में बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। हो सकता है 4-5 दिन लग जाए, लेकिन आपको पूर्णतया व्यवस्थित तरीके से YouTube पे थ्योरी के माध्यम से और आपको ये नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, चाहे आप हाथ से लिखें, चाहे आप इनकी फोटोकॉपी, जो आपको इजीली लगे। पूर्णतया आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग, आपके भविष्य के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से टीम मेहनत कर रही है, पूर्ण तरीके से हर आदमी अपने सब्जेक्ट के मैटर तैयार कर रहा है। तो आपको भी इनमें सहयोग करना है, अपने भाइयों बहनों को बताना है और उसे शेयर भी लगातार करते रहना है। देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको गुहिलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब संस्कृति में आप गुहिलों में बप्पा आपके कुंभा को नहीं छोड़ सकते, कुंभा संस्कृति का, राजस्थान की संस्कृति का जनक कहा जाता है, कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, तो कुंभा को नहीं छोड़ सकते। कुंभा के बारे में थोड़ा ज्यादा देख लेना है आपको। उसके अलावा आप राजनीति के बारे में देखेंगे तो आपने सांगा ने बहुत से युद्ध किए, सांगा के बारे में थोड़ा ज्यादा देख लेंगे आप। सैन्य व्यवस्था के बारे में देख लेंगे और मुगलों से कब प्रभावित होते हैं वो देख लेंगे। तो मोटा मोटी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। वैसे मूल रूप से आप देखें तो सामान्यतया प्रश्न आता है बप्पा रावल से, फिर आप हल्का सा अल्लट से, फिर आपके जेत्र सिंह से, फिर आपके रतन सिंह से, और फिर सामान्यतः हमीर से भी प्रश्न आ जाता है, परिवर्तन करते हैं। फिर आपका सामान्यतया प्रश्न आ जाता है लाखा से, मोकल से, कुंभा से, और फिर आप पढ़ सकते हैं सांगा के बारे में, फिर आप पढ़ सकते हैं प्रताप के, महाराणा प्रताप उदय सिंह के बारे में थोड़ा सा देखना होगा, द्वितीय साका भी थोड़ा सा देखना होगा, तृतीय साका भी देखना होगा, फिर प्रताप के विषय में, फिर आप अमर सिंह के विषय में नहीं पढ़े तो गलत हो जाएगा, फिर आप सीधे राज सिंह के विषय में पढ़ सकते हैं, जगत सिंह के विषय में भी उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सामान्य सामान्य बातें आपको देख जानकारी होनी चाहिए, अपन बहुत जल्दी से व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे। और जब आपके सामने पूरा सिलेबस खुला हुआ होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना होता है। हर परीक्षा में यही सिलेबस है, चाहे आप प्रतिहार देखें, चाहे चौहान देखें, प्रमार देखें, राठौड़ देखें, या फिर सिसोदिया देखें और कछवा देखें, आप सारे राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तो आपके हो गए प्रमुख राजवंशों के बारे में। फिर एक टॉपिक जो आजकल खास है और आरएएस में ही नहीं, आजकल हर परीक्षाओं में एक प्रश्न पक्का यहां से पूछता है और बहुत थोड़ी सी बातें हैं, मतलब बहुत छोटा सा मैटर है और हर बार प्रश्न पूछता है और अपना पढ़ा हुआ नहीं होता, इसलिए अपने हवाई नीट चढ़ती है कि ये नहीं कर पाएंगे, छोड़ दो इसको, बहुत सामान्य से कुछ, आपको इसमें कोई विशेष बात नहीं, कुछ शब्द आते हैं प्रशासनिक, किसे क्या कहा जाता है, जैसे कोई भी शब्द आप ले लेंगे, रेख क्या है, कोई भी एक शब्द, जैसे पिछली बार आरएएस में प्रश्न पूछा रेख क्या है, तो रेख आप कह देंगे जागीरदारों के राजस्व निर्धारण, जागीरदार जो है उनके राजस्व निर्धारण की अनुमान प्रक पद्धति रेख है। उसी प्रकार की प्रशासनिक मुगल काल से ली गई है, तो आप कह देंगे मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत व्यवस्थित तरीके से आप पहले आपने आप देख लेंगे 2 दिन के अंदर टोटल सभ्यताओं को बहुत तगड़े तरीके से, फिर आप देख लेंगे 2-3-4 दिन के अंदर टोटल आपके गुहिल राजवंश को, क्योंकि हमें इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी व्यवस्थित तरीके से, फिर आप देख लेंगे प्रतिहारों के बारे में, चौहानों के बारे में, प्रमारों के बारे में, राठौड़ों के बारे में, और सिसोदिया और कछवाहा के बारे में पूर्णतया व्यवस्थित तरीके से। उसके बाद आप देख लेंगे राजस्थान की प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था में कुछ शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए, किसे क्या कहा जाता है, आपसे कह देगा किस शब्द के बारे में क्या कहा जाता है, कोई भी छोटे मोटे शब्द आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। फिर आपका आता है मॉडर्न राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान में थोड़ा सा आपको व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान के इतिहास के अगर किसी भी परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें से फिक्स सा प्रश्न है ये, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इससे आपके प्रश्न कितने आएंगे, इन सारे राजवंशों से आपके प्रश्न आने हैं अधिकतम किसी भी परीक्षा में 1 या 2। लेकिन एक तो ये प्रश्न आपका पक्का पक्का सूखा पड़ा है, इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से 5 पेज में पढ़ लेंगे और 5 पेज के बाद इसे बार बार रिवाइज करना होता है, जहां से आपको पता है पक्का प्रश्न आना है उसे बार बार रिवाइज करना है, तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात आपने देखी, आधुनिक राजस्थान का पार्ट आपको लगातार ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि आजकल राजस्थान की परीक्षाओं का इस प्रकार का पैटर्न हो गया, आधुनिक से प्रश्न ज्यादा आते हैं। आधुनिक में क्या क्या आपसे पूछेगा, पहली बात आप कह देंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारण, सामाजिक जागृति मतलब आप देखेंगे कारक कौन कौन, सामाजिक जागृति पहली बात तो कौन कौन सी, सामाजिक किसे कहते हैं, सामाजिक जागृति समाज में प्रचलित जो कुप्रथाएं हैं,
समाज में प्रचलित जो बुरी चीजें हैं उन्हें आप छोड़ रहे हैं। ये जागृति है कि आप जग चुके हैं, अब आप ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे मृत्यु भोज है, पहले एक लगातार चलती थी, आजकल बंद कर दिया गया, सामाजिक जागृति के तहत आएगा। सती प्रथा है, पहले होती थी, बाद में बंद करवा दिया गया, सामाजिक जागृति है। आप कह देंगे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, जो भी सामाजिक जागृति आपको देखने को मिलेगी, तमाम बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको पता होना चाहिए दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह या मृत्यु भोज कह देंगे या डाकण प्रथा कह देंगे, जो जो राजस्थान की कुप्रथाएं हैं समाज में जो व्याप्त थी, उन सभी को खत्म किया गया। समाधि प्रथा है, उन सभी को खत्म किया गया, वो आपका सामाजिक जागृति के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आप कह देंगे राजनीतिक जागरण, राजनीतिक जागरण में समाचार पत्रों वह राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। अब आपको एक ही जगह में सारे समाचार पत्र जो राजस्थान के महत्वपूर्ण है, आपको टोटल प्रथम से लेके अंतिम तक, राजस्थान से लेके हिंदी तक, जहां से प्रश्न पूछता है, पूरे आपको एक ही सारणी में क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। पढ़ना आपको है, याद आपको करना होता है। हम लोग सिर्फ आपको मैटर दे सकते हैं कि ये पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि आप ही के लिए महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें। परीक्षा पास आप ही करेंगे, तो आपको पढ़ना आपको है, मैटर देना हमारा काम है। फिर आप कह देंगे इसमें क्या आ जाएगा, 20वीं शताब्दी में जनजाति व किसान आंदोलन, ये शायद किसान आंदोलन व्यवस्थित पढ़ा दिया गया, और बहुत अच्छे से मैं आपको इसी पैटर्न में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, पढ़ा दूंगा। महत्वपूर्ण बात जनजाति आंदोलन के बारे में दो चार पांच छह बातें आपको देखनी होती हैं, जो आप देख लेंगे। किसान आंदोलन के बारे में आपको बता दिया गया है, जनजाति में आप कह देंगे भैया दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली तो आपको याद रखना होता है किसके बारे में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहला तो आपको याद रखना होता है किसके बारे में, गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत, दो के बारे में अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका काम सामान्यतः प्रश्न यहीं से, इन्हीं दोनों से पूछा जाता है, तो आपका प्रश्न ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर आप किसान आंदोलन की बात करें तो सारे किसान आंदोलन के बारे में, पहले तो आपको किसान आंदोलन की भूमिका और उसके बाद उनकी प्रमुख घटनाएं, सामान्यतया प्रश्न घटनाओं से पूछता है। जैसे आप कोई भी किसान आंदोलन उठा लेंगे, शेखावाटी ले लेंगे, तो कटराथल क्या है आपसे पूछ लेगा, आपका कूदन हत्याकांड क्या है, जयसिंहपुरा हत्याकांड क्या है, हनुमानपुरा हत्याकांड क्या है। आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के अकॉर्डिंग भी आपको एक शब्द दे देगा, कटराथल सम्मेलन, तो वहां आप पांच लाइन लिख सकें। इस प्रकार से आपको व्यवस्थित तरीके से मैटर दिया जाएगा कि आप पांच लाइन उस बारे में लिख सकें कि क्या होता है वास्तव में। और फिर आपको याद रखना होता है 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन भी आपको देखने पड़ेंगे। प्रजामंडल आंदोलन में सामान्य सामान्य बातें, डेवलपमेंट आपको देखना होता है कि किस प्रकार से हम लोग लगातार जागीरदारों से परेशान थे, फिर अचानक से हम परिवर्तन आता है, पूर्णतः आप सभी जानते हैं, और उसी का परिणाम होता है एकीकरण, तो आपको एकीकरण देखना होता है। बहुत सामान्य सा सिलेबस है, बहुत आसानी से अगर आप पढ़ते हैं, किसी भी परीक्षा में इससे बाहर सिलेबस नहीं है, तो फिर आपकी सारी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी रही है और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, तो फिर क्यों भटकना, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। अच्छी से आप तैयारी करें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि विवेक सर आपके लिए इतना अच्छा, मेरे हिसाब से राजस्थान की छोड़िए, मेरे हिसाब से भारत भर में कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी जो निशुल्क मैटर दे रही है। जो मैटर आपको देना चाहिए था एप्लीकेशन पे भी आप लोग इतना अच्छा मैटर नहीं दे पाते हैं बच्चों को, लेकिन वहां आपको मिलेगा। दे कंपेरिजन करके देख लेना, 1,00,000 रुपए जिसको आपने आपके किसी भाई बहन ने अगर आपको 1,00,000 रुपए भी किसी बच्चे की फीस दी है, उसके साथ भी कंपेरिजन करके देख लेना। हल्का महसूस हो तो हमें जरूर बताना कि हल्का महसूस हुआ सर, मजा नहीं आया, बताना जरूर, उसमें और ऐड करेंगे फिर हम लोग। विश्वास करें आसानी से आप लोग पढ़े। बात करते हैं इतिहास के विषय में। इतिहास की दो पांच परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या परिभाषाएं हैं इतिहास की। अपने टॉपिक का शुभारंभ करते हैं और देखिएगा, आपस में बातें न करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इतिहास की कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं जो आपसे कई बार पूछ लेता है, पता तो कम से कम होना चाहिए इतिहासकार क्या मानते हैं। जीआर एल्टन एक इतिहासकार हुए, इन्होंने कहा है कि इतिहास की परिभाषा अतीत तथा वर्तमान के बीच सेतु के रूप में है, जो बीत गया और जो अभी चल रहा है उसके बीच के सेतु का काम कौन करता है, इतिहासकार। मतलब पुरानी चीजों से आपको सीखने को भी मिलता है और
और आपको जो गलतियां वहां की गई हैं उन गलतियों को आप न दोहराएं, ऐसी बातें भी होती हैं। इतिहास देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। इतिहास को सिर्फ पढ़ना होता है, इतिहास को सिर्फ सुनना होता है। इतिहास में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। सामान्यतया इतिहास में कमियां निकालने का मतलब है आप उसी तरह का व्यवहार या आचरण कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे भाई तू कर ले, क्या करेगा, क्योंकि इतिहास हमारे पूर्वजों का है और पूर्वज जो भी है, मनुष्य के पूर्वज हैं, उन सभी का इतिहास है। कमियां नहीं निकाल के सिर्फ आपको चीजें देखनी होती हैं। आपको लगे कि यार मैं महाराणा प्रताप होता तो मैं ये करता, तो फिर आप आगे अब वो करें। कमी जाया नहीं करके आप उसे बहुत अच्छे से पढ़े। मैं ये होता तो मैं ये करता। इतिहास देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। तो इसने क्या कहा है, एल्टन ने कहा है कि अतीत व वर्तमान के बीच सेतु का काम करता है इतिहास। हेनरी जॉनसन एक विद्वान हुए हैं। हेनरी जॉनसन ने इतिहास के विषय में क्या कहा, इतिहास मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। मतलब मानव जाति के भूतकाल का, भूत का मतलब वहां वो वाला भूत नहीं है, भूतकाल का मतलब, भूत का मतलब भूतकाल, यहां मानव जाति के भूतकाल का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। ये सभी लोग आप जानते हैं, मानव जाति से ही इतिहास को पढ़ते हैं। हमने कभी नहीं देखा हाथियों का इतिहास, हम तो मानव का इतिहास ही पढ़ते हैं। तो आप कह देंगे मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा क्या है, इतिहास है। ये परिभाषा किसकी है, तो आप कह देंगे जॉनसन की है। एक परिभाषा और देख लीजिए, एक विद्वान हुए ईएचकार। ईएचकार ने कहा प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, और इतिहासकार के मन में उन विचारों का पूर्व अनुमान होता है जिनका इतिहास के अंतर्गत वह अध्ययन करता है। प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है। एक विचार जो अंदर आता है उसी का इतिहास होता है। आप अपने अंदर एक छवि बनाते हैं, उसी का इतिहास होता है। इतिहासकार के मन में उन विचारों का पूर्व पुनर्निर्माण होता है जिनका इतिहास के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं। मतलब इतिहास इतिहासकार के विचारों की घटनाएं हैं। इतिहासकार जिस तरीके से, ये बिल्कुल सत्य लिखने का प्रयास किया इन्होंने, आप पाएंगे कुछ इतिहासकार जो हैं वो पूर्वानुमान से ग्रसित हैं। जैसे कोई भी चीज आप पाएंगे तो अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग संदर्भ में से समेटने का प्रयास किया है। मतलब डिपेंड करता है किस तरीके से आपने किसे पढ़ा। सामान्य इतिहास आप पढ़ेंगे, आपको इन ज्यादा गहरों चीजों में नहीं पढ़ना है, आपको सामान्य बातों के बारे में पता होना चाहिए। हम राजस्थान के इतिहास पे आते हैं, देखिएगा राजस्थान में किस प्रकार की कौन कौन सी सभ्यताएं हैं और क्या क्या चीजें होती हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। पहले आप देख लेंगे कि भैया कौन कौन सी पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, फिर आप देख लेंगे इसमें आप ताम्रकाश्ययुगीन, ताम्रयुगीन, फिर आप देख लेंगे जो आपका क्रमबद्ध तरीके से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से काल की कौन सी सभ्यता है, फिर हम एक एक सभ्यता के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे कि आपको पता है पिछली बार बैराट के विषय में प्रश्न आया, आपको पूछा गया राजा मिनेंद्र के 16 सिक्के कहां से मिले। उसके बाद आप पाएंगे गणेश्वर के विषय में प्रश्न पूछा गया, आपको पता हो तो मैंने कल आपको प्रश्न करवाया था। आहड़ के विषय में प्रश्न पूछा गया, तो सभ्यताओं के विषय में प्रश्न आपको याद हो तो कल आपको एक अच्छा प्रश्न करवाया था राजस्थान के इतिहास में, अगर आपको याद है तो हमने नगरी सभ्यता, सॉरी हाँ नगरी चित्तौड़गढ़ के विषय में आपने प्रश्न देखा कहां से महाभारत और महाभाष्यकालीन दोनों काल के अवशेष मिलते हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में उल्लेख किया है और महाभारतकालीन भी है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखिएगा प्राचीन राजस्थान की सभ्यताएं और पूरा स्थल के विषय में आप देखेंगे इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन स्रोतों के आधार पर 3 भागों में किया जाता है। कौन कौन से 3 भाग है, एक है प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्ट्री, प्राग का मतलब होता है पहले, प्राग का मतलब होता है पहले, इतिहास यानी इतिहास से पहले। इसका काल की आप बात करें तो आप पाएंगे लगभग प्रारंभ से लेकर यानी 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2500 ईसा पूर्व तक का इसका काल मान सकते हैं आप। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2500 ईसा पूर्व तक का काल क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल का मतलब वह काल जिसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, कौन सा काल हो जाएगा, यानी लिपि का विकास नहीं हुआ है। आप इस इतिहास का अनुमान लगाने के लिए, पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तो आप कह देंगे इस इतिहास का पता लगाने के लिए आप करते हैं, जैसे आपको कोई अवशेष मिल गया, मृदभांड मिल गया, कोई घर मिल गया, या फिर आप कह सकते हैं आपको कोई स्तंभ मिल गया, लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है, बर्तन मिल गए,
आपको सड़कें मिल गई, अनुमान सिर्फ बिना लिखे हुए आप लगा रहे हैं, लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है, उसे आप कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब वह काल जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों पर निर्भर है। हमें खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं पूर्णतः उन पर निर्भर इतिहास क्या कहलाएगा? प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। आप कह देंगे इसी काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जो विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था। इसी काल प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार सीख लिया है और यह मनुष्य का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार है। प्रश्न पूछा गया है मनुष्य का पहला वैज्ञानिक आविष्कार कौन सा है, तो आप कह देंगे मनुष्य का पहला वैज्ञानिक आविष्कार जो है वो आप कह देंगे पहिए का आविष्कार है। पहिए का आविष्कार मनुष्य का पहला वैज्ञानिक आविष्कार है। फिर आप कह देंगे इस काल में सर्वाधिक सामग्री पत्थर से निर्मित होती थी, अतः इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में सर्वाधिक आपको जो सामग्रियां मिलती हैं वो सामान्यतया पत्थर की बनी हुई मिलती है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, तो आप कह देंगे पाषाण काल भी कहते हैं। इस काल में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 प्रारंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट बुस्फुट, ध्यान देना, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 में प्रारंभ हुआ, जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान जिनका नाम है रॉबर्ट बुस्फुट ने पलवरम मद्रास में पढ़ता है, पलवरम मद्रास तमिलनाडु नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण यानी हैंडेक्स या हस्त कुठार जिसे कहते हैं प्राप्त किया। यह सबसे पहला आप कह सकते हैं, सबसे पहली खोज कह सकते हैं। किसने की है, तो आप कह देंगे रॉबर्ट बुस्फुट ने की है। कहां पर की है, मद्रास में की है, पलवरम मद्रास में। कब की है, 1863 में की है। सबसे पहला आप कह देंगे खोज कौन सी है, तो सबसे पहली खोज यही है। प्रथम अनुसंधान इतिहासकारों का प्रथम खोज जो है यहां से आपको हस्त कुठार या हैंडेक्स मिलता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे। उसके बाद आप बात करें राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान के संदर्भ में अगर आप बात करें तो गरदरा क्षेत्र पड़ता है बूंदी में, छाजा नदी के तट पर। आप सभी लोग जानते हैं छाजा नदी के तट पर प्रागैतिहासिक काल के मानव की उत्कृष्ट कला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहीं पर बर्ड राइडर को रॉक पेंटिंग, जो विश्व की सबसे प्राचीन रॉक पेंटिंग मानी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं विश्व की प्राचीनतम रॉक पेंटिंग, विश्व की प्राचीनतम रॉक पेंटिंग मानी जाती है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, पक्षी पर सवार मानव का चित्र मिलता है। यह देश में प्रथम पुरातत्व महत्व की रॉक पेंटिंग या सेल है। गरदरा रॉक पेंटिंग विश्व की प्राचीनतम सेल चित्र है। गरदरा जो है वो प्राचीनतम सेल, सेल का मतलब होता है पत्थर, किसी पत्थर पर बनाया गया, मतलब चट्टान पर बनाया गया चित्र सेल चित्र होता है गरदरा क्षेत्र, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। गरदरा बूंदी में है, छाजा नदी के किनारे है, कौन से काल का स्थल है, तो आप कह देंगे पूर्व पाषाणकालिक स्थल है। यहां से आपको पूर्व पाषाणकालिक हैंडेक्स मिला है। दो बातें देखी आपने, पहली बात देखी पूर्व पाषाण, पाषाण काल किसे कहते हैं या प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस काल की पहली खोज कौन सी है, तो आप कह देंगे भारत में रॉबर्ट बुस्फुट ने पलवरम मद्रास में इसकी खोज की है। और कब की है, तो 1863 में की। यहां से आपको क्या मिला है, तो आपने बताया यहां से आपको पूर्व पाषाणकालीन हैंडक्स या हस्त कुठार मिला है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा गरदरा क्षेत्र राजस्थान में आया, आप राजस्थान में आपने देखा गरदरा क्षेत्र बूंदी में छाजा नदी के किनारे आपको क्या मिला है, तो आप कह देंगे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग सेल चित्र मिला है। एक पक्षी पर सवार मानव की चित्र मिला है जो एक पत्थर की शिला पर बनाया हुआ है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम सेल चित्र है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। उसके बाद आपने देखा राजस्थान के प्रमुख रूप से पाषाण काल की तीन संस्कृतियों का बोध होता है। मुख्य रूप से तीन संस्कृतियों का बोध होता है, कौन कौन सी देखिएगा, प्रारंभिक या पूर्व पाषाण, प्रारंभिक या पूर्व पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं, जैसा कि आपने देखा कौन कौन से स्थल इस क्षेत्र में खोजे गए, देखना। सन 1870 में भूवैज्ञानिक सी ए हेकर, इनका बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तीन बातें याद रखनी होती हैं, मेरी तीनों आपको बताई होगी व्यवस्थित तरीके से, अभी आप इन्हें क्रमबद्ध तरीके से देख लेंगे। इस युग में उपकरणों की खोज 1870 में भूवैज्ञानिक सी ए हैकेट या हैकर ने सर्वप्रथम अश्म पत्थर से निर्मित हैंड एक्स
जयपुर व इंद्रगढ़ बूंदी किसे खोज निकाले थे? भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में उपलब्ध है, वर्तमान में भी आप जाके देख सकते हैं। यहां से राजस्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल में 1870 में सीए हैकेट ने अश्मक पत्थर से निर्मित हैंडेक्स या हस्त कुठार जिसे कह सकते हैं, ये आपकी खोज निकाले थे। कहां कहां से? जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से खोज निकाले, जो भारत के कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। फिर आप बात करेंगे डिंगरिया जयपुर नागौर जिले में लूणी नदी के बेसिन में, जायल व डीडवाना में जो नागौर में है, झालावाड़ हमीरपुर जो भीलवाड़ा में है, फिर आप कह देंगे देवली जो टोंक में है, मंडपिया जो चित्तौड़गढ़ में, से प्रारंभिक पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त होते हैं। अब यहां से आपको याद क्या करना होता है? याद करना होता है प्रारंभिक पाषाण युगीन स्थल कौन से है। अब ये आपको नाम याद करने होते हैं, प्रारंभिक पाषाण युगीन स्थल कौन कौन से हैं, तो आप कह देंगे प्रारंभिक पाषाण युगीन स्थल ये आपके स्थल हैं, डिंगरिया है, नागौर है, जायल है, झालावाड़ है, हमीरपुर है, उसके अलावा मंडपिया है और डीडवाना है, ये आपके प्रारंभिक, इंद्रगढ़ है, ये सभी आपके प्रारंभिक क्या हो जाएंगे, इंद्रगढ़ है, जयपुर है, तो ये सभी आपके प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा दर भरतपुर से चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिनमें मानवकृति व्याघ्र बारहसिंगा और आप कह देंगे सूर्य आदि के अंकन प्रमुख है। यहां पर आपको दर भरतपुर में पड़ता है, वहां से भी इस तरह के शिलाश्रय यानी पत्थर पर उत्कीर्ण शैल चित्र, मानवकृति, बारह सिंगा या फिर आप कह देंगे सूर्य आदि की यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलते हैं, ये भी प्राचीनतम पाषाण काल से हैं। फिर आपने देखा अरावली पर्वतमालाओं की कंदराओं में मानव आश्रय के प्रमाण सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक सी ए हैकेट ने 1870 में इंद्रगढ़ बूंदी में खोज निकाले। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा अरावली पर्वतमालाओं की कंदराओं में मानव आश्रय के प्रमाण सर्वप्रथम किस भूवैज्ञानिक ने खोजा, तो आप कह देंगे सी ए हैकेट ने। कब खोजा, तो आप कह देंगे 1870 में। कहां खोजा, तो आप कह देंगे इंद्रगढ़ बूंदी में खोजा। सीधा का सीधा यहां से प्रश्न उठाता है, न जाने कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, आप कह देंगे यहां से आपके सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया और परीक्षाओं में बहुत बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है। अरावली सीधा का सीधा यहां से यह प्रश्न से उठाया गया है, सीधा का सीधा यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा देखना, यहां से आपसे सीधा प्रश्न पूछता है कि भैया आप ये बता दीजिएगा कि अरावली पर्वतमालाओं की कंदराओं में, ये सीधा प्रश्न ही पूछा गया है, मानव आश्रय के प्रमाण सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक सी ए हैकेट ने 1870 में इंद्रगढ़ बूंदी से 1870 में सी ए हैकेट ने खोजे, आपसे कह देगा किसने खोजा, कहां खोजा, कब खोजा, तो 1870 में सी ए हैकेट ने इंद्रगढ़ बूंदी में खोजे हैं। राजस्थान में मानव की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण बनास व उसकी सहायक बेड़च गंभीरी आदि नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आप कह देंगे राजस्थान में मानव की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण बनास उसकी सहायक बेड़च गंभीरी के नदियों के संगम पर आपको प्राप्त होते हैं। उसके बाद आप कह देंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से आपको क्या क्या देखने को मिलता है, देखिएगा इस काल में छोटे और हल्के उपकरणों में स्क्रेपर पॉइंट विशेष उल्लेखनीय है, अर्थात इस काल में माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण उपकरण, आपके छोटे जो पत्थर के उपकरण है माइक्रोलिथ कहा जाता है, ये शब्द भी परीक्षा में, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोलिथ किसे कहते हैं, छोटे हथियार जो आपके थोड़े से बाद में कालांतर में आप पाएंगे हथियार पत्थर के ही बनते हैं, उनमें छोटे उपकरण जो है, जो छोटे हैं, उपयोगी हैं, आसानी से मनुष्य साथ रख सकता है, उन्हें आप कह देंगे माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस काल की सभ्यताओं के अवशेष, मध्य पाषाण काल की सभ्यताओं के अवशेष कहां कहां से मिले, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। मध्य पाषाण काल में आप कह देंगे तिलवाड़ा बाड़मेर, बागूर भीलवाड़ा, पचपदरा बाड़मेर और सोजत पाली और झालावाड़ क्षेत्र और विराटनगर जयपुर क्षेत्र आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। तो आपको पांच नाम पता होने चाहिए मध्य पाषाण काल के, बागूर, पचपदरा, तिलवाड़ा, सोजत, झालावाड़, विराटनगर कौन से काल के हैं, मध्य पाषाण काल के। आप शोर्ट में लिख भी सकते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा पत्थर का जो आप पाएंगे कालांतर में पत्थर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, तो आप कह देंगे इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। और उसके बाद आप कह देंगे राजस्थान की कौन कौन सी सभ्यताएं, नाम पता होना चाहिए, मैं इनके बारे में विस्तृत आपको बता दूंगा। राजस्थान के प्राचीनतम आपसे पूछे पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो आप कह देंगे तिलवाड़ा से, प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण लूणी नदी के किनारे आपका पड़ता है। पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा प्राचीनतम जो पशुपालन के प्रमाण है वो तिलवाड़ा बाड़मेर से मिलते हैं। लेकिन प्रश्न पूछे राजस्थान के प्राचीनतम
कृषि व पशुपालन के प्रमाण या प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के प्रमाण, तो वहां आपको बागोर करना होगा। कृषि और पशुपालन के प्रमाण दोनों शब्द काम में ले रहा है, कृषि प्लस पशुपालन, तो आप कह देंगे बागोर भीलवाड़ा जो आपकी कोठारी नदी के किनारे है पशुपालन। पचपदरा बाड़मेर आप सभी जानते हैं, पचपदरा बाड़मेर लूणी के किनारे, सुजत पाली झालावाड़ क्षेत्र और विराटनगर का क्षेत्र से आपको क्या मिले, मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले, जहां से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। फिर आप बात करते हैं उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, आप लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, आप बात करेंगे उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल क्या होता है। देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती 7000 ईसा पूर्व की मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है पाकिस्तान में है वह बस्ती है। आप सभी लोग जानते हैं मेहरगढ़ के विषय में, मेहरगढ़ राजस्थान की भारत की या आप कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम आपसे पूछे उत्तर पाषाण कालीन बस्ती कौन सी है, तो आप कह देंगे 7000 ईसा पूर्व पुरानी मेहरगढ़ पाकिस्तान है। इसी काल में कृषि का कार्य गेहूं कपास की खेती का प्रारंभ हुआ। मेहरगढ़ ध्यान रखना आप, जो आपकी सभ्यता है बागोर भीलवाड़ा वो आपको मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल दोनों काल के वहां से आपको अवशेष देखने को मिलते हैं। अब मनुष्य कृषि करना सीख चुका है, और कृषि में आप पाएंगे कृषि कार्य में गेहूं कपास की खेती का प्रारंभ हुआ। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम या भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आपका जवाब हो जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं मेहरगढ़, जो कहां पर है बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दक्षिण पाकिस्तान आप कह देंगे। उत्तर पाषाण काल को नव पाषाण काल तक आते आते राजस्थान में मनुष्य अनेक समुदायों जातियों वर्गों में बंटने लगे थे। उसके बाद आप कह देंगे राजस्थान में उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से, अब आपको ये स्थल याद रखने कौन कौन से स्थल राजस्थान में उत्तर पाषाण काल के हैं, तो आप कह देंगे बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है, भैंस रोडगढ़ जो चित्तौड़ में है, हमीरगढ़ जहाजपुर जो भीलवाड़ा में है, देवली जो टोंक में है, गिलुंड राजसमंद में, शमदड़ी बाड़मेर में, भरनी टोंक में है, इत्यादि स्थल है जो आपके किस काल से संबंधित हैं, तो आप कह देंगे आपके उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल आपको ये देखने को मिलते हैं। इनके आपको नाम एक छोटी सी सारणी बना लो, कौन सा उत्तर पाषाण काल का, कौन सा मध्य पाषाण काल का, कौन सा आपके नव पाषाण काल का, तीनों आपको उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, पाषाण काल, ये तीनों आपके काल जो है इनके आपको एक सारणी बना के आप इन्हें लिख सकते हैं। स्क्रीन मोटी कर लेंगे, ये लीजिएगा। फिर आप देख लेंगे आधुनिक सभ्यता की नींव इसी काल में रखी थी। इस युग में गार्डन चाइल्ड जो एक इतिहास का भूतत्ववेत्ता हुए हैं पाषाण कालीन क्रांति कहा है इतिहासकार गार्डन अपने गार्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा है, तो आप कह देंगे पाषाण कालीन क्रांति कहा है। बूंदी में छाजा नदी, कोटा में चंबल नदी, क्षेत्र में अरनिया आलनिया जिसे कहते हैं, विराटनगर जयपुर, फिर आप कह देंगे सोहनपुर सीकर में और हरसोरा अलवर इत्यादि स्थानों से आपको चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ये सभी स्थानों से आपको चित्रित शिलाश्रय शेल पर प्राप्त जो आपके चित्र हैं चित्रित मिले हैं इन सभी स्थानों से। फिर आप देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा काल होता है, वह काल आपने प्राग ऐतिहासिक काल देखा, फिर आप देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा काल है, वह काल जिसमें आपको लिखित साक्ष्य तो मिला है पर आप उसे पढ़ नहीं पाए। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, वह काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है पर हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, कौन सा काल हो जाएगा, तो आप कह देंगे आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, वह काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिलता है पर इतिहासकार उन्हें अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इस काल की जो लिपि है वो हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, उसे बुस्ट ऑफ फैदन लिपि कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं दाएं से बाएं लिखी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं इसे दोनों साइड लिखी जाती है, इस कारण से
सर्पाकार लिपि कहा जाता है, मतलब आधे ऐतिहासिक काल में आप पाएंगे जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता एग्जाम्पल ले, जैसे ये लिपि है ये आपकी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती है। इस कारण इस लिपि को क्या कहा जाता है, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अब उसके बारे में आपको चार बातें लिखनी है, तो पहले आप लिख देंगे यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। दूसरी बात आप कह देंगे, जैसे आप देखिएगा यहां पे, देखिएगा थोड़ा सा आप, सीधी आपको चार बातें लिखनी हो तो आप क्या लिखें, जैसे आपने देखा सिंधु घाटी, आपके प्रश्न आया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अब इसके बारे में आपको चार लाइनें लिखनी है, तो पहली लाइन आप क्या लिख देंगे, पहली लाइन आप लिख देंगे यह लिपि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती है। तो आप पहली बात कह देंगे यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। दूसरी बात आप कह देंगे आपको यह लिपि अंग्रेजी वर्णमाला की एस जैसी नहीं लग रही, तो आप कह देंगे इस लिपि को एस आकार की लिपि कहा जाता है, एस आकार की लिपि कहा जाता है। तीसरी बात आप कह देंगे यह लिपि आपको सांप जैसी नहीं लग रही, तो आप कह देंगे इस लिपि को सर्पाकार लिपि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप कह देंगे सर्पाकार लिपि कहा जाता है। तीसरी बात आप कह देंगे आपको यह लिपि देखने में चित्र जैसी नहीं लग रही, तो आप कह देंगे इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। एक शब्द काम में लेते हैं कि इस लिपि को बुस्टोफेदन लिपि कहा जाता है, इस लिपि को बुस्टोफेदन लिपि कहा जाता है, बुस्टोफेदन लिपि कहा जाता है। आप कह देंगे यह लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई, इस कारण इसे अपठनीय लिपि कहा जाता है, अपठनीय लिपि कहा जाता है। इस लिपि के बारे में आप कह देंगे इसे गौ मूत्राक्षर लिपि कहा जाता है, इसे गौ मूत्राक्षर लिपि कहा जाता है, मूत्राक्षर लिपि कहा जाता है। अब आप कह देंगे गुरुजी से पढ़ा तो नहीं गया अब तक, लेकिन क्या किसी ने आज तक प्रयास ही नहीं किया लिपि को पढ़ने का, ऐसी बात थोड़ी हो सकती है प्रयास ही नहीं किया, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो आप इसके नीचे एक लाइन और लिखते हैं तो बहुत आकर्षक लगता है कि इस लिपि को सबसे पहले सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास, सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया, तो आप कह देंगे 1925 में वेडेल ने इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का दावा किसने किया, पढ़ा नहीं गया पर एक आदमी ने दावा कर दिया, बोले मैंने इसे पढ़ लिया है, किसने किया, तो आप कह देंगे सर्वप्रथम दावा किसने किया, तो आप कह देंगे धनपत सिंह धनिया ने, धनपत सिंह धनिया ने सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है। अब तक लगभग आपको 3000 के आसपास इसके शब्द मिल चुके हैं, तो इस लिपि के बारे में इससे बाहर चीजें ना तो आपको लिखनी होती हैं, सामान्य सी बातें 90% बातें आपको पता है, बस उन्हें व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से उन्हें सेट करनी है, मस्तिष्क में काम हो जाएगा। और परीक्षा में पास वही होता है जो लगातार रिविजन करता है, ऐसी कोई भी विधि नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ लिया फिर पेपर से दो दिन पहले पढ़ लूं मेरी नौकरी लग जाएगी, कभी नहीं लगेगी। लगातार आप रिविजन करते रहेंगे तो आप 100% सफल हो जाते हैं। देखिएगा हम बात कर रहे थे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस लिपि को यहां से लिखित साक्ष्य मिले हैं पर पढ़ा नहीं जा सका, तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल कह देंगे। क्या कह देंगे, इस काल में लिखित लिपि का तो इस काल में आप कह देंगे इस काल में इस काल की लिखित लिपि तो है पर या तो पढ़ने में सफलता नहीं मिली या उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। यह काल पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, वैदिक काल की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। इन सभी कालों की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वैदिक काल बाद में लिखा गया, वेदों को श्रुति कहा जाता है, लगातार सुने गए, फिर सबसे पहले वेद व्यास ने इनके संकलित किया, व्यवस्थित तरीके से लिखा, तो आप कह देंगे इसके संकलनकर्ता कौन है, वेद व्यास, तो वैदिक काल की लिपि मूल लिपि को आप नहीं पढ़ पाए, इस कारण आप कह देंगे
से सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा और वैदिक, आप तीन प्रकार की, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के काल से पहले का है। उसके बाद आप देखेंगे इस काल की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, सरप के सम्मान लिखी जाती है, अतः इस लिपि को बुस्टोफेदन या गोद मुद्रिका लिपि, सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। रेडियो कार्बन 14 C14 के विश्लेषण के आधार पर डीपी अग्रवाल ने हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य मानी है, जो सर्वमान्य मत प्रतीत होता है। समझ गए बात को। यहां आपने सिंधु घाटी सभ्यता का काल देख लिया। C14 कार्बन पद्धति, डेटिंग पद्धति 14 के अनुसार किसने किया, तो आप कह देंगे डीपी अग्रवाल ने। इस सभ्यता का काल क्या बताया है, 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व बताया है। तो ये आपकी सामान्यतः आद्य ऐतिहासिक काल देखा आपने। फिर आप बात करेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कौन सा काल होता है, वह काल जिसमें आपको लिखित साक्ष्य मिले हैं और आपने उन्हें पढ़ लिया है, कौन सा काल हो जाएगा, ऐतिहासिक काल। वह काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और हमने उन्हें पढ़ लिया है, कौन सा काल हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में इस काल का मानव इतिहास, इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक व विदेशियों पर वर्णन निर्भर करता है। 600 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। पाषाण काल के बाद राजस्थान में ताम्र काल का प्रारंभ होता है। इतिहास के इस विकास क्रम में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऐतिहासिक काल में आप पाएंगे सर्वप्रथम, ऐतिहासिक काल में नहीं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो वहां आपका जवाब होगा तांबा। सबसे पहले आपको ताम्र काल देखना होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ताम्र काशीयुगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। उससे पहले कोई धातु नहीं, प्रथम धातु मानव ने जो खोजी है वो कौन सी धातु है, तो आप कह देंगे तांबा धातु मानव ने जो खोजी है वो प्रथम धातु है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ऐतिहासिक काल, उस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर नहीं, लिखित साधनों पर निर्भर करता है और पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशिक वर्णन निर्भर करता है। 600 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। आपसे प्रश्न पूछे भारत में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला अभिलेख किसका है, तो आप कह देंगे भारत में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला अभिलेख सम्राट अशोक का है। किसका है, सम्राट अशोक का है। किसने पढ़ा, तो आप कह देंगे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। और कब पढ़ा है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1837 में भारत में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का अभिलेख पढ़ा है, जो ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम पढ़े जाने वाले अवशेषों में से एक है। लेकिन यहां पर यह नहीं पता चल पाया कि यह आपका अवशेष जो है, यह आपका जो पढ़ा गया है, यह ब्राह्मी लिपि का अभिलेख था, यह अभिलेख अशोक का ही है, क्योंकि इसमें आपको देवनाम प्रियदर्शी राजा के बारे में जानकारी मिलती, बाद में गुजरा मास्की वगैरह में जानकारी मिलती है कि भैया देवनाम प्रियदर्शी राजा खुद सम्राट अशोक ही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो आप कह देंगे ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और हमने उन्हें पढ़ लिया है, कौन सा काल हो जाएगा, ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तो आपने ऐतिहासिक काल के बारे में देखा। आप सभी को जैसा कि जानकारी है आपने मुख्यतया सभी कालों की सभ्यताएं देखी। अब आपको डिवाइड करने के बाद हम बात करते हैं सभ्यताओं के बारे में। सभ्यताओं के बारे में जब आप बात करते हैं तो आपको जानकारी देखनी होती है कौन कौन सी, कौन कौन से युग की सभ्यताएं हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और आपसे सीधा का सीधा, जैसा कि प्रश्न पूछता है और आप सभी को जानकारी है, आपसे सीधा का सीधा यहां से प्रश्न पूछता है कि कौन सी सभ्यता कौन से काल की है, तो आपको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कौन सी सभ्यता कौन से काल की है। और इस बात की अगर आपको जानकारी है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होता है, क्योंकि कौन सी सभ्यता कौन से काल की है इस बात को अगर आपने देख लिया है, मतलब ये चीजें आपको सामान्यतया याद करनी होती हैं कि कौन सी सभ्यता कौन से काल की है। ये चीज अगर आपने याद कर ली तो आपका काम हो जाता है। अगर आप लोग कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट 2023 की तैयारी, तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। एग्जामपुर आपके लिए लेके आया है पूर्णतया संपूर्ण सिलेबस 0 to 5 टोटल लाइव क्लासों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पर मात्र 2499 रुपए में। वर्तमान में 3 जून से आपको पता है आज ही से कोर्स स्टार्ट है, तो आप जुड़िएगा। रात 60 कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मात्र और मात्र ये आपको 2499 उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात करेंगे अपन कल, कल मिलते हैं इसके बारे में सारी की सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय गुरु, अबे आप गांव से